कब होगी सलमान की अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली रिलीज? किस तरह का प्लॉट किया गया है सलमान खान की खास फिल्म के लिए तैयार? फिल्म का कौन सा एंगल आया सलमान खान को सबसे ज्यादा पसंद? फिल्म की स्क्रिप्ट के कौन से हिस्से ने करवाई सलमान खान के इस फिल्म के लिए हाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियो के फ्रेश न्यू वीडियो में, जहाँ आपको मिलेगी बॉलीवुड से जुड़ी हर एक नई लेटेस्ट अपडेट, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। सलमान की मोस्ट अवेटेड एंड एंटिसिपेटेड फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर सलमान खान काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। सुल्तान फिल्म में लंगोटी में नजर आने वाले सलमान खान इस बार वापस से अपने 90s का फेमस कैरेक्टर प्रेम जैसे ही रोमांटिक किरदार में नजर आने वाले हैं। अगले साल इस फिल्म को रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं फिल्म के मेकर्स। टाइटल कभी ईद कभी दिवाली से समझ में आता है कि इस फिल्म में दो अलग अलग घर के त्योहारों के बारे में इस बार सलमान खान बताते हुए नजर आएंगे। फिल्म की कहानी हिंदू इस्लामिक धर्म से जुड़ी हुई होगी, यानी कि हिंदू मुस्लिम के प्यार को और रिलीजियस फैक्टर को जोड़ते हुए इस बार सलमान खान बेहद ही इंस्पायरिंग लुक में नजर आने वाले हैं। अब इससे जुड़ा एक सवाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है और काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो रहा है, और वो ये है कि सलमान खान ये फिल्म रिलीज कब करेंगे। हम सभी जानते हैं कि सलमान खान ज्यादातर अपनी फिल्मों को ईद पर ही रिलीज करते हैं, लेकिन इस बार उनकी फिल्म का नाम है कभी ईद कभी दिवाली। तो क्या इस बार सलमान खान दिवाली पर देंगे अपने फैंस को ये खास तोहफा, या फिर हमेशा की तरह ईद पर ही करी जाएगी ये फिल्म रिलीज? इस सवाल को लेकर सलमान खान को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा घेरे में लिया जा रहा है। मेकर्स ने अभी तक फिल्म की रिलीज डेट को रिवील नहीं किया है। देखते हैं कि इस फिल्म की रिलीज से कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। आपको क्या लगता है, फिल्म को ईद पर रिलीज किया जाएगा या फिर दिवाली पर? अभी सजेशंस हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। जैसे कि फिल्म के टाइटल से साफ नजर आ रहा है कि फिल्म की कहानी भी इस बार ईद दिवाली यानी कि हिंदू और मुस्लिम से रिलेटेड होने वाली है। फिल्म के प्लॉट को इस बार काफी खास तरीके से तैयार किया गया है। सलमान खान की ये नेक्स्ट अपकमिंग मूवी रिलीजियस फैक्टर के ऊपर काफी ज्यादा जोर देने वाली है। फिल्म की रिलीज हुई अब तक की कहानी के अनुसार कभी ईद कभी दिवाली मूवी में सलमान खान के साथ तीन और कलाकार नजर आएंगे। इस बार चार भाइयों की कहानी फिल्म के जरिए दिखाई जाने वाली है। अरे नहीं नहीं, हम साथ साथ है का रीमेक नहीं बन रहा है। इस फिल्म में सलमान एक ऐसे बड़े भाई का किरदार निभाने वाले हैं जो कि शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन उनके छोटे तीनों भाइयों को प्यार हो जाता है। लेकिन रिवाज के अनुसार जब तक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती है तो छोटे शादी नहीं कर सकते। सलमान खान एक ऐसे बड़े भाई का किरदार निभाएंगे जो कि अपने धर्म के ऑपोजिट किसी और धर्म की लड़की को इस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए कभी राजी नहीं हो सकते हैं। किस तरह से उनके भाई उनकी इस सोच को बदलते हैं और कितने सारे पापड़ उन्हें बेलने पड़ते हैं ताकि उन्हें सबसे बड़े भाई भी किसी के प्यार में पड़ जाए और सबसे पहले उनकी शादी कराई जाए ताकि वो तीन भी अपने सर पर सेहरा सजा सके। इस पर काफी इंटरेस्टिंग कॉमेडी एक्शन ड्रामा फिल्म में अगले साल देखने को मिलेगी। इस फिल्म का ही एक हिस्सा ऐसा था जिसे सुनने के बाद सलमान खान ने फिल्म से जुड़ने के लिए हाँ कर ली। दरअसल कहानी का हिंदू मुस्लिम एंगल सलमान खान को बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्हें लगा कि शायद ये एक नेवर सीन बिफोर कॉन्सेप्ट होगा जो फिल्म के जरिए सामने लाया जा सकता है। सलमान खान को फैन बेस और स्टारडम कितना ज्यादा बड़ा है और ये हम सभी जानते हैं। वही अगर दर्शकों को इस तरह के संदेश को सुनने के साथ साथ देखने का मौका मिलेगा तो काफी ज्यादा लोगों पर इस मैसेज का असर होगा। हमारी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिल्म से जुड़ी आगे की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।